खुदावंद रात शरीफ शो के एक एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यह है कि दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कामयाब है, जो उसकी डिमांड हो। इंसान की भी एक डिमांड है, यानी मैं कमर्शियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की एक डिमांड है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे खाना है उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, पानी पीता है और बहुत सारी ख्वाहिशें जो वो पूरी करता है, इसलिए कि उसकी ज़रूरत होती है। मगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिस्पेक्ट। मैं आज इस बात का एक बड़ा एतराफ़ करता हूँ कि मेरे साथ इस मुल्क के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने, रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने बड़ा पार्ट किया है और उनकी उस ऑक्सीजन की वजह से मैं आज खड़ा हुआ हूँ। हमने ये आज का प्रोग्राम जो बेस किया है एक्चुअली इस बात के ऊपर है कि क्या हम लोग ज़िंदगी में अपना फ़र्ज पूरा करते हैं उन लोगों को जो काबिल इज़्ज़त हैं, जो काबिल एहतराम हैं, हम उन्हें अपने दिल और दिमाग में, अपने बीच में जगह देते हैं। क्या हम उस दरख्त की तरह हैं जो सबको ऑक्सीजन देता है बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर इसके कि वो कहाँ का है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कौन है, किस ज़बान का है, सब। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा इंसान। सबसे प्यार करें, मत देखें कोई क्या है, नस्ल मत देखें, ज़बान मत देखें, रंग मत देखें, उसकी नीयत नहीं देखें, आप सिर्फ ये देखें कि आपको प्यार करना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है। इस माशरे के सुधरने का एक ही चांस है और वह है प्यार, आपस में प्यार, मोहब्बत। ये हमारा तुम फिर आ गई, वो तो हमेशा पीछे चुप करके आती हो, जाओ, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। नहीं नहीं, फिर आंखों में आग डाल के बात करो, बताओ, रुको, मुझसे प्यार करती हो? या हम भी तुझसे प्यार करते हैं, तू लोया है तो क्या हुआ, तुझे मोम ना किया तो हमारा नाम बदल देना। या वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुदावंद रात, अभी हम गुफ्तगू करके गए थे कि जिंदगी क्या है, क्या है जिंदगी, क्या जिंदगी है ये, आप लोग बताइए क्या जिंदगी है ये। जिंदगी इसलिए है कि इसमें प्यार बांटो, किसी से मोहब्बत करो, किसी को डांटो, मगर नफरत ना करो, बस प्यार करो। जो मेरे दोस्त मुझसे नाराज है, मैं आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा ज़ाती तौर पर, तो वैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी कभी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ दरगुजर कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें, इसलिए कि हमें कभी कभी फ्लो में अंदाज़ा नहीं रहता, हो सकता है कोई दिल दुखाने वाली बात निकल जाती हो, आपका दिल दुख जाता हो, आपके मुंह से कोई बद्दुआ निकल जाती हो। अगर आप बद्दुआ करते हैं, आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आप दुश्मन हैं मेरे, डरिए मत। ये एक डायलेक्ट है, डायलेक्ट बोला हम लोग इसलिए ये डायलेक्ट बोलते हैं ताकि, देखिए फिल्म और टेलीविज़न थिएटर के आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास एक बड़ा मार्जिन होता है। वो क्या मार्जिन होता है, कोई भी बात कह दो और फिर कह दो डायलेक्ट। अरे यार मैंने तो मुकालमा बोला, ओ यार तुम सच समझे, ओ नो, इस तरह करके ना कवर कर लो। ये मेरे पीछे लगी हुई है अरसा दराज, इसका मेरा मिलन नहीं हो सकता, मैं इंसान हूँ, ये लोहा है, लोहे से क्या आदमी टकरे मारे। इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी कि तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। ए प्यारी जेब, तुम कभी ऊपर जाती हो, कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, तुम घर में कैसे टिक के बैठोगी, तुम घर के काबिल नहीं हो। गो, प्लीज गो, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज गो। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने इनसे बातें शुरू करी जिप से, तो हिंदुस्तान में भी ये जिप से बातें शुरू हो गई। यार पता नहीं हिंदुस्तान वाले कुछ सैयारे पे बैठ के हमें देखते रहते हैं, बड़ा सामान उठाते हैं यहाँ से वो। बहरहाल दोस्त हैं, हमसाए, हमसाए के हुकूक होते हैं, हम भी तो देखो ना कितनी उनकी खवातीन वहाँ से ले आए, हमारे क्रिकेटर गए एक मशहूर हीरोइन को ले आए, फिर उसके बाद हमारा एक और क्रिकेटर गया, एक और, मतलब वो इसीलिए क्रिकेट के ख़िलाफ़ हो गए वो लोग, तो इनके क्रिकेटर आते हैं और हमारी खूबसूरत लड़की ले जाते हैं शादी करके। महाराज चलो कोई मतलब,
मसला यह है कि मोहब्बत के लिए वक्त निकाल के रखिए और ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखिए और ज़िंदगियों में ये कर्जा उतार दीजिए कि आप किसकी कितनी इज्जत करते हैं, किससे कितना प्यार करते हैं। और मैं चाहूँगा, मैं जिस पहली शख्सियत को बुला रहा हूँ, उन्होंने एक बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था पाकिस्तान टेलीविज़न, जो अभी भी जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अरसे तक जारी रहेगा, क्योंकि उन जैसे जो एंकर होते हैं, जो उन जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो उन जैसे कॉलमिस्ट हैं, जो उन जैसे बुक राइटर हैं, मेरा ख्याल है इतना बोल्ड, इतना सिंपल और इतना स्टाइलिश अंदाज़ है उनका कि उनकी बात होती भी बड़ी कड़वी है, बड़ी तल्ख होती है, लेकिन उसे खूबसूरत से शुगर कोटेड उसके ऊपर जो ना रैप, उसको रैपिंग करके ना, तो वो दे देते हैं और वो इंसान बड़े आराम से हज़म भी कर लेता है और उसका जायका भी बुरा नहीं लगता। आपकी भरपूर तालियों में आज का दिन हमारे साथ मनाने के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब सुहेल वड़ाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ सर मैं। बहुत मेहरबानी जी, और बहुत आपका, मेरे लिए एजाज़ है आपका बुलाना। मेरे लिए एजाज़ है आपका आना। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। मेरे लिए ऑनर सर, मुझे बहुत ही खुशी हुई आपको अपने साथ इस शो में देख करके। तो शो जो है उसका एक मयार मुख्तलिफ हो जाता है आप जैसे लोगों के आने से, क्योंकि आप खरे और सच्चे लोग हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जिस शो में भी होते हैं, उसका एक अपना मयार है और उस मयार में जो सबसे नुमायां बात मुझे नज़र आती है वो आपकी पाकिस्तानियत है। आप और आप हमेशा मुस्बत बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जो लोग मायूसी फैलाते हैं, आपने उनके ख़िलाफ़ पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मुस्बत बात करके लोगों में उम्मीद जगाते हैं। नवाज़िश, आपका ये तज़िया मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है कि आप मेरे बारे में ऐसा फरमा रहे हैं। सुर भाई, आपने एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन इससे पहले आप बहुत लिखते रहे हैं और बुक्स लिखी हैं आपने, वैसे भी आप कॉलम्स लिखते हैं, और मेरा ख्याल है आपने हर टॉपिक को लिखा है और बड़ा खुला डुला लिखा है। ऐसा हसीन कलम लेके आप पैदा हुए, वो कौन सा सन था, वो कौन सा खुशनसीब दिन था? ये 8 नवंबर 1962। ठीक है, तो कितने बड़े हो गए हमसे? 60। ठीक है ठीक है, आप बड़े हैं। आप वैसे भी बड़े हैं माशाल्लाह, उम्र में भी बड़े हैं आप, कद में भी बड़े हैं आप, टैलेंट में भी बड़े हैं आप, हर तरह से बड़े हैं आप। नहीं, आपकी शफकत है, लेकिन उम्र में मैं समझता हूँ कि चाहे मैं बड़ा हूँ चाहे आप, रुतबे में आप बड़े हैं। अरे नहीं नहीं सर, नहीं, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी ज़्यादातर जो डील है मैंने देखा वो पॉलिटिशियन के साथ रहती है। जी जी। आप क्या समझते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, जो मैक्सिमम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ होंगे उसमें जिनकी ये सोच होगी जो मैं सवाल करने लगा आपसे, मुझे बताएंगे आपकी क्या पाकिस्तान के कौम से वोट लेकर, उनसे ताकत लेकर, उनसे इज्जत लेकर, उनसे तमाम वसाइल लेकर के उन लीडरों ने पाकिस्तानी कौम को क्या डिलीवर किया? ये कि पेट्रोल नहीं है, ये कि बिजली नहीं है, ये कि नौकरी नहीं है, ये कि खाना नहीं है, ये कि मकान नहीं है, ये कि बदहाली है, ये कि इलाज नहीं है, ये कि हर एक के हाथ के अंदर बर्तन है, ये कि सैलाब, क्या है, क्या दिया इनको, मिला क्या है? मेरे ख्याल में आपके सब सवालात बिल्कुल सही है, और आवाम जो हैं वो सियासतदानों की जो गवर्नेंस है उससे बिल्कुल मायूस है। लेकिन मैं इसके साथ बड़े अदब से आपसे भी और लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सियासतदान कोई तीसरी दुनिया की मखलूक नहीं है, वो आप और हम में से हैं, हम ही ने उन्हें चुनकर भेजा था। ये बात, असल बात यह है कि आइंदा जब आप अपना इंतखाब करें तो सोच समझ कर करें, राइट, और ऐसे लोगों का इंतखाब करें
कि जो पहले से बेहतर गवर्नेंस कर सकें। वेरी गुड, गुड आंसर, गुड आंसर, परफेक्ट आंसर है ये, क्योंकि ये आप सारा डिपेंड करता पब्लिक के ऊपर कि वो आप अब आप देख आपको अपने वोट की पावर का अंदाजा नहीं है ना। आपको जिस दिन अंदाजा हो गया कि आप लाते हैं इन लोगों को, ये जो झंडे वाली गाड़ियों में 200 की स्पीड पे गुजरते हैं ना, ये आपकी स्पीड दी हुई है, ये आपने एक्सेलेटर इनको दिया है, अदरवाइज तो ये भी हमारी तरह सिरो सिरो चलते इधर उधर देख के उल्टा सीधा हाथ पे भाग के सड़क क्रॉस कर ले, है ना। ये जो सड़कें बंद हो जाती है ये हमारी दी हुई ताकत है, तो ये हमारे लिए इस्तेमाल होनी चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा वो साहब, आपका सारी ज़िंदगी गुजरी इसमें, बड़ी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन के साथ आप एक दिन गुजारते हैं जियो के, जियो का नाम लगा के नाम जियो का होता है लेकिन दिन तो आप ही गुजार रहे होते हैं, और शुक्र है इस प्रोग्राम का नाम है एक दिन जियो के साथ, इसका प्रोग्राम ये नहीं होगा कि एक रात जियो के साथ, वरना आप तो उनके घर में एक रात ही रुक जाते पूरे। जियो जब आप वो प्रोग्राम करते हैं आपका, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब मैं खुद, क्योंकि मैं खुद अभी भी सीखने के अमल में हूँ और मैं हमेशा हर लम्हा सीखता हूँ जी, हम वो सब आपकी सीखने के अमल में हैं। मैं आपकी जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि आप बहुत बड़ा बम जो है ना बड़े आराम से उसके ऊपर गिरा देते हैं, जिस तरीके से ड्रोन हमले नहीं हो रहे, यानी कि उनको कोई खौफ ही नहीं है मारने वालों को, ड्रोन हमले कर रहे हैं डगा डग, वो बड़े आराम से मार देते हैं ईजिली, और हमारे ही मुल्क में आकर के मार देते हैं हम लोग। मैं तो कहता हूँ कि जी ड्रोन हमले बंद होने चाहिए और ये इस तरह की बिल्कुल बंद होने चाहिए। आप जो ये ड्रोन हमले करते हैं शख्सियात के ऊपर, कभी आपको किसी ऐसी फिजिकली किसी ने कोई ऐसी बात करी कि यार ये आपने क्या कह दिया, और आप जाते भी ऐसे ऐसे लोगों के पास हैं जहाँ से वापस आना भी बस माँ की दुआ हो तो बंदा वापस आता है? नहीं, ये हो जाता है, कई दफ़ा हुआ, लेकिन ये तजर्बे से ये बंदे को आ जाता है कि किस तरह उस सिचुएशन से निकलना है, हाउ टू टैकल। और कामयाबी ये होती है कि आपने जो काम करने गए हुए हैं उसको कामयाबी से करके आना आ जाए। पाकिस्तान की मुमताज़ आर्टिस्ट हैं बाबरा शरीफ जी, तो बहुत तगोदो के बाद वो ये प्रोग्राम जो है एक दिन जियो के साथ इस पर आमादा हुई। अच्छा, अब मेरे जहन में ये सवाल था कि वो माशाल्लाह बहुत यंग लगती हैं और ये सवाल अब खातून से करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसकी वजह क्या है? अब वो मैंने पहला या दूसरा सवाल किया तो उन्होंने माइक उतार के फेंक दिया और उन्होंने कहा कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी उम्र तो ज़्यादा है, आप यंग लगती हैं, इसका राज क्या है? तो राज ज़रा ऐसा लगा उनको, चुप गया होगा राज। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये मुझे कह दिया कि तुम बूढ़ी हो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कहा आप यंग लगती हैं। फिर मैंने सवाल को रीफ्रेस किया और उन्हें कहा कि देखें, सबसे अहम सवाल जो हर कोई आपसे पूछना चाहता है वो यही है। और ख्वातीन बिलखसूस जानना चाहती हैं ताकि वो भी इसी तरह हमेशा यंग नज़र आए। तो फिर वो आमादा हुई, ताहिरा सैयद नाराज़ हो गई, कई दफ़ा बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। कितनी हीरोइन अब तक आप इंटरव्यू कर चुके हैं? पहले हीरोइन करते हैं फिर पॉलिटिशियन करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं दूसरी तरफ। कितनी लड़कियों का आप तक इंटरव्यू कर चुके हैं? मेरा ख्याल है सभी का कर चुके हैं सवाए रेशम के और साइमा के। साइमा नहीं राजी हो रही इंटरव्यू, वो सैयद नूर साहब राजी नहीं हो रहे। सैयद नूर साहब शादी पे तो राजी हो गए थे, इंटरव्यू पे राजी नहीं हो रहे। नहीं, उनका अलग से तो मैंने कर लिया था। अच्छा। तो अब उनका वादा तो है, हमेशा वादा करते हैं, उम्मीद है कि उन्हें करना चाहिए क्योंकि तारीख में देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं। तारीख में अगर वो ये इंटरव्यू नहीं देंगी तो उनका एक आर्काइव से हम महरूम रह जाएंगे। सही बात है, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है किसी किए हुए इंटरव्यू की रेफरेंस के तौर पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साइमा को करना चाहिए, साइमा जी प्लीज़ आप इंटरव्यू करें, बल्कि हम तो अपने शो के भी आपको कह रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, घर से निकला करो, तुम की करते हैं तो घर से बढ़ के फिर साहब तो इंटरव्यू दो, ऐसे बड़े पोलाइट ले लेंगे तो पूछ लेंगे, कोई ऐसी गल नहीं। बल्कि साइमा जो है वो मुझे मिली एक दफ़ा। अच्छा। तो उन्होंने ये जो मेरा लहजा है इसकी इतनी अच्छी नकल की, नहीं नहीं, और मतलब हम हंस हंस के लोटपोट हो गए। पहले तो वो मेरे सामने नकल करे ना, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ आप करें। और औरतें करें तो बहुत खुश होता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। हकीकत यह सही कह रहे हैं बिल्कुल सुहेल साहब, मैंने ये क्वालिटी देखी है
मैंने भी किया था इनका शो, मैंने किया था एक दिन जियो के साथ, मैं किया था एक दिन सास के साथ, वो मैंने किया था, इनको कॉपी किया था, ये मुझे मिले, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, इन्होंने बुरा नहीं माना मेरी बात का, ये मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी ये इतना होना चाहिए, आप कभी भी चाहें अपने शो में मुझे कॉपी कर सकते हैं। मैं तो शायद ना कर सकूं, आपको इजाजत है आप कर ले। सुहेल साहब, रोमांस के बगैर जिंदगी अधूरी है, बंदा नामुकम्मल है, मानते हैं? सही है। जब आप मानते हैं तो फिर आपने किया भी होगा। डेफिनेटली किया है। किया। क्योंकि मैं हर एक से सवाल पूछता हूं, इसलिए ये सवाल के लिए तैयार भी रहता हूं। नहीं, हकीकत बात है, आप तो बड़े आराम से पूछ लेना, कभी प्यार तो किया होगा। आराम से पूछ लेते, बड़े आराम, कोई भी बात हो। अच्छा, तो आपने प्यार किया? जी बिल्कुल किया। किया और उन्हीं से शादी करी? नहीं, शादी नहीं हो सकी। लकी मैन, बड़ा बोरियत हुआ थी, यक्षानियत, जिससे प्यार किया वही घर में, योर लाइफ। मैं तो वैसे समझता हूँ कि जो अभी भी प्यार है, जो मोहब्बत हमेशा याद रहती है, वही मोहब्बत है, वही मोहब्बत वो होती है जो जिससे शादी नहीं होती। आ हा हा, बड़ा यार क्या बात की है, वाह वाह। यानी कि जो जिसमें मोहब्बत में शादी हो जाए फिर मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब है ये? वो तो शादी हो गई ना, वो तो शादी हो गई, तंबू, कोरमा, बिरयानी, डकारें, कोल्ड ड्रिंक, मीठा मीठा, ये वो, रुखसती, रोना धोना, ये वो शादी हो गई। मोहब्बत है आदमी अकेला, वो वहाँ रो रही है, आप यहाँ रो रहे, किसी नो डिस्टर्बेंस, SMS पे रो रहे, बड़े झूठे हो तुम। हाँ, मैं मजबूर था। आपने भी इस तरह किए होंगे? हाँ किया, सब मुझे मजबूर, उन्होंने कहा मैं मजबूर हूँ, आपने कहा होगा मैं मजबूर हूँ। आया है, क्या मोहब्बत हुई होगी, कहा आप जैसा आदमी मोहब्बत करेगा भी तो इंतहाई अदब, इंतहाई मोहब्बाना और महजबाना तरीके की मोहब्बत। अच्छा, आपने फिल्म दुनिया के लोगों का किससे मुतासिर है, शदीद किस्म के? फिल्मी दुनिया के लोगों से पहले शुरू में सच्ची मैं बताऊं कि मैं नहीं करना पसंद नहीं करता, नहीं करना चाहता था, तो मुझे फिर मजबूर किसने किया? नहीं, मुझे शकील पेट ने नहीं, नहीं, शकील साहब ने मुझे कहा कि नहीं, ये जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू करने वाला, उसकी अपनी पसंद कुछ नहीं होती। नहीं, उसने हर शोबे के इंटरव्यू करने, राइट, और फिर उन्होंने मुझे हंसते हंसते कहा कि अब ये तुम इंटरव्यू करोगे, फिर मैं 6 महीने बाद तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे लोग बातें करेंगे, फलां एक्ट्रेस, फलां एक्ट्रेस। तो सच्ची बात यह है कि मेरे प्रोग्राम को एक्ट्रेसेस के आने की वजह से बहुत शोहरत, सक्सेस मिली आपको, और उसकी वजह यह थी कि पहले 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वो देखते थे, लेकिन जब ये फिल्मी दुनिया आई तो यंगस्टर आ गए, तो यंगस्टर आ गए, आपको एक क्राउड मिला, नया क्राउड मिला। तो किस हीरोइन के घर पहली दफा गए? निर्मा। निर्मा के घर? अच्छा, निर्मा, निर्मा में आपने क्या खास बात देखी? एक तो जो आपकी एक नज़र है ना, वो बड़ी खतरनाक है उमर भाई। एक तो मैं आपसे ये दिलचस्प, मैं चूंकि फिल्मी दुनिया से ज्यादा पहले मिक्सअप नहीं हुआ था, अब तो हो गए ना, अब ठीक ठाक मिक्सअप, अब तो मिक्सअप हो गए, और उसमें मेरे बड़ी हैरानी हुई शुरू में जाके कि यार ये कि इनके ये, बारे में मैं ऐसा सुनता था, ये तो बड़े सही लोग हैं। नहीं, अच्छे लगे मुझे वैसे, मैं मुझे या ऐसा लगा आपको, अरे जैसा सुनता था वैसे ही ये लोग? नहीं, तजर्बा क्या है आपका? रस्म व रवाज, मसलन निर्मा जो थी, निर्मो कहते होंगे आप प्यार से। देखिए सुहेल साहब यहाँ रुक जाते हैं एक सेकंड के लिए, प्लीज। स्लिप ऑफ, आपने एक सच जो है ना आपके मुंह से निकला, आपने यकीनी तौर पे उसको कहा होगा निर्मो। अच्छा, निर्मो कहा हुआ, आप कहते हैं कहा हुआ, जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका इकबाल जुर्म कर रहे हो, वरना पुलिस तशद्दुद करती है। ये है कि मेरी तो उससे जिंदगी में एक ही मुलाकात है, तो एक ही बहुत होती है, और वही जो जिस दिन प्रोग्राम किया था। नहीं सर, एक ही दफा मिलते, आजकल लोग तो दूसरी दफा मिलते ही नहीं है। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि जब वो घर से बाहर जाने लगी प्रोग्राम में,
तो वो कैमरे वाले बाहर चले गए हुए थे, अचानक मैंने देखा कि एक मुर्गी उसकी वालदा लेके आई और वो उसके ऊपर वार के सदका उतारा। फिर मैंने कैमरामैन अंदर बुलवाए, वो हमने दोबारा लिया सदके उतारने का सीक्वेंस। तो वो बड़ा लोगों में हिट हुआ कि लोगों ने बड़ा पसंद किया क्या कि यार ये औरत कम से कम सदका भी देती है। नहीं कि भाई किस तरह के रसूम और रवाज हैं। उन्होंने घर के बाहर एक उल्टी हांडी लटकाई हुई थी, तो वो इसका मतलब है घर में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अवेयरनेस दे रहे हो कि भाई घर में कुछ नहीं है, कुछ खाना है तो नाल ही लेके आना है। अगर कुछ खाना तो साथ लेके आइए, हो सकता है इस हांडी का मतलब ये हो। नहीं बड़े बड़े दिलचस्प हैं, मतलब लोग हैं। मीरा हैं, ओह मसलन सब लोग उन पे उनका मजाक उड़ाते नहीं हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो खुद अपना मजाक उड़ा लेती है। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी मीरा की। हाँ उनकी बात बताइए कि इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी फिक्स्ड है अपने काम में। 6-6 दफ़ा उन्होंने आंसर दिया एक एक सवाल का, और जब तक वो मुतमिन नहीं हुई कि मेरा ये जवाब ठीक है वो रिपीट करती हैं बीच बीच में कन्फ्यूजन रखती हैं। आपको उनके ये स्टाइल अच्छा लगा? उस वक़्त तो बड़ा पेनफुल लगा, लेकिन बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि उसने अपने काम में इतनी उसने दिलचस्पी ली है कि वो उसको दुरुस्त करके करना चाह रही है। हम असल में मीरा को समझ नहीं पाई पूरी कौम। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास साइंसदान भी नहीं रहे कि हम मीरा को किसी लैब में रख के उसका सही मालूमात ले लें, और कोई ऐसी मशीन भी नहीं है कि जो मीरा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये सुहेल साहब फिर हम क्या करें अब मीरा का? नहीं मीरा जो है मेरा ख्याल है कि उसने आप बाकी देखे ना कि किस तरह उसने अपनी मेहनत करके बहुत मेहनत की जी, ईंटें बना लेती है, मकान बना लेती है। आप देखें एफर्ट, इंडिया चली गई पैदल ही इंडिया गई पैदल, ये वाघा बॉर्डर के थ्रू गई। अच्छा सुहेल भाई, जिंदगी आपकी रोमांस भी हुआ, शादी भी, जाहिर है शादी होगी माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा है। इस किफायत शुरी की वजह क्या है? मुल्क की महंगाई? नहीं, हालात ऐसा हुआ कि मेरी शादी 93 में हुई, लेकिन 13 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। 13 साल के बाद फिर एक बेटा हुआ। अल्लाह उसको जिंदगी, क्या नाम है उनका? रहमत नाम है। रहमत, आपने सिचुएशन के हिसाब से नाम रखा कि रहमत, अल्लाह ने रहमत करी जी। मेरे नाना का नाम भी रहमत था, फिर दोनों चीज़ें मिला के हमने। अल्लाह ताला मुबारक कर उसको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला, और आप जैसा उसको शौक़ इल्म का अता फरमाए, और हमें ये शौक़ अता फरमाए कि हम अपनी अम्मी के लिए कुछ कर सकें। हम कुछ नहीं कर सकते अपनी अम्मी के लिए, अपनी अम्मी जियो के लिए, तो हम एक ब्रेक तो ले सकते हैं जिसने हमारे ऊपर रहमत का साया रखा हुआ है। तो खातून दरात एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक का कतई मकसद ये नहीं है कि हम कमर्शियल चलाएँगे, आप देख लीजिएगा, चलेंगे तो बहुत, लेकिन वो बहालत मजबूरी हैं। कोई कमर्शियल के लिए, खुदा ना खास्ता पैसों के लिए नहीं करते हम ये काम। हम ये काम खिदमत खल्क समझ के कर रहे हैं। इनको इसलिए बुलाया कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत शख्सियत हैं, इश्तिहार के लिए नहीं बुलाया। इश्तिहार चलेंगे देख लीजिएगा, लेकिन हमने इसलिए नहीं बुलाया, ये इश्तिहार वाले खुद आके बीच में चला देते हैं आकर के। एक छोटा सा कहीं मैं जाएगा हमारे साथ तशरीफ फरमाया है सुहेल बड़ाई साहब, जो कि अपने मुनफरद अंदाज की वजह से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। कहीं मैं जाएगा, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासत के ऊपर, क्योंकि सुहेल बड़ाई साहब की मौजूदगी में सियासत पे भी गुफ्तगू हो सकती है, स्पोर्ट्स पे भी हो सकती है, शोबिस पे भी हो सकती है, माशी प्रॉब्लम पे भी हो सकती है, एजुकेशन पे भी हो सकती है, इनसे सारी बातें हो सकती है और इनसे बातें होंगी। लेकिन अब हम जिस शख्सियत को बुला रहे हैं उनसे बात हमारी फैशन पर हो सकती है, मेकअप पर हो सकती है, ब्यूटी पर हो सकती है, ड्रेसेस पर हो सकती है, उनसे हमारी बात स्टाइल पर हो सकती है, उनसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बात हो सकती है। उनकी शख्सियत में भी बहुत सारे रंग हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ज़रूर प्रमोट हमें करना चाहिए जो फील्ड्स को चेंज करते रहते हैं, कभी एक्टिंग में होते हैं, कभी होस्टिंग में होते हैं। होस्टिंग एक बड़ा सब्र आजमा काम है। सुहेल बड़ाई साहब भी इस अजियत से गुजरते रहे हैं कि जिसको आपका दिल नहीं कर रहा उसको भी आपने इंटरव्यू करना है। अब जैसे ये मुझसे बातें कर रहे थे, इनका दिल नहीं कर रहा था,
लेकिन इनके इन्होंने बाहालत मजबूरी में किया कि यार चलो एक जूनियर आदमी, चलो कोई मसला नहीं। बहरहाल जिन्हें मैं बुला रहा हूँ बहुत जूनियर हैं, लेकिन वो इस वक्त बहुत अच्छी हमारे टीवी की एक अच्छी एंकर होस्ट साबित हुई हैं। ये उनका बिल्कुल नया अंदाज था, एक्टिंग उन्होंने की है, एज ए हीरोइन बहुत सारी फिल्में की हैं, कर रही हैं, ड्रामे करती हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव किया, बहुत छोटी सी उम्र में अचीव किया है। खौतंदरात मेरी जिस शख्सियत को मैंने आज अपना मेहमान बुलाया है, बहुत सारी तालियां, मोहब्बतें और हमेशा उनके लिए मेरे दिल में प्यार, मोहब्बत और इज्जत रही है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे हमारे दूसरी मेहमान शरीफ शो में, फिल्म स्टार नूर। शुक्रिया, मेरी नाक बंद है लेकिन फिर भी दिख तो रहा है क्या गुलाब है? बस दिखता ही है, आपको पता है खुशबू नहीं होती आजकल गुलाबों में। गुलाब भी दो नंबर आ रहे हैं, दो नंबर गुलाब, तुम एक दो नंबर गुलाब हो। महंगाई इतनी हो गई कि फूल की खुशबू भी खत्म हो चुकी है। हाँ, फूल भी अब खुशबू नहीं दे रहे, एहतजाजन। ये फूल का एहतजाज है सिस्टम के खिलाफ कि तुम लोग जिस तरीके से लोगों को मुरझा रहे हो, मुझे खिलाओ मैं फिर भी खुशबू नहीं दूंगा। प्लीज इसका एहतजाज तो नोट करें आप। नूर, मैं अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और बड़ा मशहूर हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ लाएं, और बहुत देर से आप आए हुए, मैं ही डिले हो गया थोड़ा सा। आपको पता है आप बड़े स्टार हैं और फिर हमारे उस्ताद भी हैं, कुछ भी नहीं आता था लेकिन आपको हमेशा देखते कि थोड़ा बहुत सीख के थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। थोड़ा बहुत इतना कुछ? थोड़ा बहुत इतना कुछ थोड़ा बहुत होता है? बस आपकी दुआएं। कैसा महसूस कर रहे हैं नूर के साथ बैठे हुए? बड़ा अच्छा जी, इनके साथ कुछ माहौल अच्छा हुआ। 2003 में किया था इंटरव्यू जी, बल्कि मैं ये बात कहना चाहूंगी भाई आपको बताऊं। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जो खुशकी मैंने फैलाई थी उस ड्राइनेस में कुछ वो हुई, कमी हुई वाका? हुई है ना सर? बिल्कुल जी, वो तो होती है। मैंने इनके साथ एक मैं इनका इंटरव्यू भी अभी आपको देख रही थी, इनकी मजेदार बात यह कि ये बड़े मजे से लोगों के बेडरूम में घुस जाते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आती ये कैसे अलाउ करते हैं। बिल्कुल यहीं रुक जाएं, बड़ी नई बात पता लगी है, आप लोगों के बेडरूमों में घुस जाते हैं। सर बेडरूम से इतनी प्राइवेसी होती है, कैसे चले जाते आप? पूछ के जा सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिये जी, बतौर जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम, मेरा और आपका जी, हम सब बैंकर्स का काम है कि हम लोगों के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना, मालूमात दें बिल्कुल, और वो बातें। और इसके लिए लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बेडरूम के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो नाइट शूट और अगर मुझे आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से उनके बेडरूम तक जाने की इजाज़त मिल जाए तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आवाम बीच में इन्होंने आइटम ऐसा रख दिया, आवाम तो बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, हाय हाय आवाम ने किया है कि। सही है सर, आपके पास एक लाइसेंस है जो आजकल पब्लिक जियो को भी दे रही है, नशरियात जारी करने का लाइसेंस, तो आपको आवाम ने दिया हुआ है कि बेडरूम में घुस जाए आप, कोई बात नहीं। अच्छा नूर, फिल्म में आई, शुरू से आप फिल्म में आई जी, एज ए हीरोइन आप बहुत, और बहुत छोटी उम्र में आपने फिल्म करी। आपके साथ शान थे जी, शान तो मतलब जी मैं एक ही सुपरस्टार है, ये हर एक लड़की का आइडियल है। मैं तो कहूँगी मेरे उस्ताद भी थे, कोई मैंने पहली फिल्म उनके साथ की, उन्होंने मुझे ब्रेक दिलाई और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और एक्सप्रेशन, बट यू नो एक्सप्रेशन इसलिए होगा, एक हीरो होता है आपका, आगे नहीं मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल उस्ताद, एकदम एक आदमी हो जाता है, चश्मा लगा हुआ, कलम हाथ में पकड़ा हुआ। आपने शान को एकदम बूढ़ा कर दिया, मेरे उस्ताद हैं। नहीं, I really respect him, whatever. आप respect करें, उस्ताद ना कहें। नहीं नहीं, उस्ताद तो हैं। उस्ताद तो हैं, ये तो मैं मानता हूँ। है तो उस्ताद आदमी। ये तयशुदा बात है, उस्ताद है। लेकिन मैं मतलब कि आप एज मैं इतना तो बूढ़ा ना करें। हाँ, नहीं, नहीं, बूढ़े तो नहीं है वो, obviously he's been मतलब सबके ही आइडियल रहे हैं वो। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी लड़की होंगी जिनको शान नहीं पसंद होंगे, बिकॉज ही वॉज अ सुपर स्टार एंड ही इज एंड ही इज आई थिंक। ओह यस यस यस,
वो वाहिद आदमी है जो लड़कियों को नहीं लड़कों को भी पसंद है। मतलब लोग उसका आइडियोलॉजी उसकी लोगों ने बनाई हुई है, उसको लोग पसंद करते हैं, आइडियल है वो लोग। अच्छा, किस हीरो के साथ आपको सेट पे जाके उलझन हुई? गई और दिल हुआ कि ला इसके साथ शूटिंग, ला अम्मी मैं नहीं करूंगी। अच्छा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, ये ना करो। लेकिन आई कांट नेम आज इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कोई दुनिया में किसी से नहीं की होंगी, हमेशा की हैं। नाम लेना वो मुनासिब नहीं होगा। निशानियां बताओ, पांच पांच निशानियां बताओ, अलामतें, उसकी अलामतें बताओ, कैसे जाहिर होता है वो? नहीं ऐसा कभी कभी उलझन एक आध कभी हीरो से हुई है, कोई ज्यादा चीजें होने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा फ्री होने की कोशिश। लेकिन आपको पता है अब्बा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे हमेशा सेट पर होते थे, अम्मा अब्बा दोनों सेट पर होते थे, तो कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई, कभी भी नहीं। वो टैकल कर लेते थे कि भाई एक मिनट हेलो। हाँ, मतलब उनकी आंखें इतनी गुस्से में देख रही होती थी उनको कि मेरे से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं करता था। कोशिश तो की होगी कई हीरो ने। जी कोशिश तो आपको पता है हर इंसान कर रहा होता है हर जगह। हर इंसान ना कहे, इंसानों में तो हम लोग भी आते हैं। नहीं नहीं, मैं मतलब ये कि हर जगह पे क्या आप इंसान नहीं समझते? कोशिश तो मतलब हर कोई कर रहा होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम तो इस टाइप के इंसान नहीं है भाई। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये समझते हैं कि हमने जिंदगी के अंदर जिनकी इज्जत करी है बहुत इज्जत की है, और जिनकी बेइज्जती करी है उसमें कभी लेट नहीं हुआ। और फिर आपने जिनकी और फिर आपने जिनसे मोहब्बत की है फिर उनको अपना लिया। ये एक चीज मेरी है, देखो मोहब्बत करो तो अपना लो, फिर मोहब्बत का फायदा क्या? इनके फलसफी है कि मोहब्बत में अपनाओ मत वरना मोहब्बत खत्म हो जाती है। अच्छा, इन्होंने इतनी ओपन बातें की, आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? ओपन बातें की मतलब कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत नहीं मिली मुझे, वही मोहब्बत थी आपकी बेगम भी शो देखने वाली। नहीं मेरा ये ख्याल है, नहीं नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, ये क्यों डरेंगे, ये तो उनका इंटरव्यू करके उनको डरा देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो ये तो पहला ही सवाल बीवी से ये करेंगे, सुना है आप अपने शौहर की दुश्मन हैं। और बेचारी भाभी वहीं घबरा जाएंगी, भाभी सॉरी मैं आपसे सॉरी करके, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बड़ी ऑनरेबल हैं, लेकिन इस वक्त मैं भाई का अपने इंटरव्यू कर रहा हूँ और मेरा स्टाइल यही है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोलेंगी तो मैं घर पे आके आपसे एक्सक्यूज कर लूँगा। नहीं, ये शादी जो है ना, ये एक बिल्कुल अलग जिम्मेदारी है। अलग जिम्मेदारी है वो, और इसके अंदर शायद ही कोई मियां बीवी हो और जो खुश हो है, नहीं जिन जो आपस में शायद इतने गहरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं कि उनकी कोई भी चीज़ एक दूसरे से छुपी नहीं रहती। सही बात है, ठीक है। और वो जो मोहब्बत का जज्बा है, अब सिर्फ ये कह दिया जाए मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं हुई, ये तो झूठ है, मुनाफ़िक। तो ये झूठ है, झूठ झूठ नहीं बोलने चाहिए बिल्कुल, कभी नहीं कभी। मैं मेरी ज़िंदगी की दो क्वालिटियाँ हैं जो बड़े बड़े लोगों ने नोट करी हैं, नजीमियों ने कहा है, साइंसदानों ने कहा है, मैंने ब्लड चेक कराया अपना, उन्होंने कहा जी ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा कुछ भी हो जाए। हम भी कोशिश करेंगे अब झूठ ना बोले। ये सोफा ऐसा है सुहेल साहब, इसमें तीन दफा आग लग चुकी है, सिर्फ इसलिए एक आदमी ने बोट के झूठ बोला इसके ऊपर। अब देखे ना, हाथ लगा के देखें, हाथ लगाएं, हाथ लगाएं, ठंडा लग रहा है आपको? आप तो ठीक, आपकी बातों की वजह से ठंडा हुआ। आप देखें हाथ लगाएं, सही है ना? ठीक है जी, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका भी कोई आइडियल तो होगा ना? जी बहुत से आइडियल, एक तो नहीं बहुत, एक वन ऑफ देम तो आप हैं, होस्टिंग है तो मुझे इस तरीके के आप कामों में नहीं डालो आइडियल। नहीं हो सकता आइडियल इन द सेंस कि आप इतने अच्छे होस्ट हैं, आपसे बड़ा आइडियल किसी के लिए कौन सा हो सकता है? क्लैप कर दें थोड़ी सी। लेकिन आपके बराबर में बैठे हुए अभी बिल्कुल जी, इनसे भी बहुत सीखा, भी आपसे इंस्पायर्ड हैं हम, मैं खुद इंस्पायर्ड हूं। एवरीबॉडी, कोई भी अगर आप देखें, लेकिन ये कि बड़ा मुश्किल काम है, स्पॉन्टेनिटी है आप में, ये एक अल्लाह की रहमत, ये खास रहमतों में मैं इसको शुमार करता हूँ। कि वो देखिए, दुआ मैंने जिंदगी में ये नहीं मांगी कि अल्लाह मुझे इतने प्लाट दे दे, इतने बैंगलोर दे दे, मैं कहा अल्लाह मेरे दिमाग को रोशन रख, ताकत दे इसको और इसको रवानी अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। और आपके शो पे आते हुए हर कोई डर रहा होता है, you know, I was also yeah, clear, मैं क्या होता है? ये इन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया एक दिन जियो के साथ में, मैं घर में बुला के इनको भेजना मुश्किल हो गया। ये घर में आते पहले फोन कर देते, पका लीजिएगा बड़ा बड़ा चीज है कदम से, और ये इंटरव्यू बड़े मजे का करते हैं, हर टाइम से करते हैं, एक्सरसाइज करवा दी मुझे, मल्टन पार्क में ले जाके आप एक्सरसाइज करते, मैं कहने कहने फिर भी कुछ तो करते होंगे। मैं शो में, मैं कहा हाँ जी, क्यों नहीं, चलो अब मैं पाइपों में लटका इधर, मैं वापस आया
मैं बोला नहीं जा रहा, ये अल्लाह मुझे आदत ही नहीं कभी ये ऐसे कलाबाजियाँ खाने की, कुछ नहीं इनको दिखाने के चक्कर में। इन्होंने मेरे शाम में बड़ी चहल कदमी करता हूं। एंड इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू, लेकिन मेरा मुझे इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें एक्सरसाइज करें। अब मैं उस वक्त थोड़ा मेरे अजीब सी थी, मैं यंग थोड़ी सी ज्यादा थी, पेशेंस कम थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आपके सामने क्यों एक्सरसाइज करूँ। अच्छा आप क्या इसलिए एक्सरसाइज करवाते हैं क्या आप देखें कैसे हो रही है एक्सरसाइज, या इसलिए करवाते हैं कि आप देखना चाहते हैं क्या एक्टिविटीज हैं? मेरा ये ख्याल है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जिंदगी का जो एक पूरा दिन है वो दिखा सकें। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप खाना खाते हैं। ये कहने के लिए तो नहीं आप ये सारा दिन एक दिन जियो के साथ करते हैं, क्या आप कभी कहें अरे रीमा तो सारा दिन मेरे साथ रही है यार वो। मीरा पूरा दिन मेरे साथ नहीं, ये तो नहीं कहते कहीं बैठ के आप नहीं। अच्छा ये किताबें लिखते हैं आप और ऐसे सवालात पूछते हैं, आप कभी किसी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए? नहीं एक बता, इन्वेस्टिगेशन टीमें लग जाती है ना पीछे, अक्सर होता है ऐसा? बहुत दफ़ा हुआ है। देखिए मैं मेरे अंदाज़ है आपने बुक्स लिखी होंगी डेफिनेटली आपके पीछे, क्योंकि आपने किताब ऐसी लिखी है। पूरी पूरी एक कहानी है कि सहाफ़त के जितने भी सहाफ़ी हैं सबको तकरीबन इस अमल से गुजरना पड़ता है। किसी को ज़्यादा किसी को कम। मुझे 87-88 में जनरल ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, तो मैंने एक ख़बर दे दी कि जी जो जिन लोगों के लोन थे वो माफ़ कर दिए गए हैं। अब इत्तफाक से उनमें उनके ब्रदर इन ला थे डॉक्टर बिशारत लाई, उनका नाम भी शामिल था, उनका नाम आ गया। तो मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरी लाहौर पढ़ाता था, तो मेरी ट्रांसफ़र कर देगी तौंसा, जहाँ बसें भी तीन बदल के जाना पड़ता था। मतलब एक टेक्निकल सजा दिया। हाँ टेक्निकल सजा कहा होगा। हाँ लेकिन फिर इत्तफाक जिन लोगों ने नाम लिए उन्हें तौंसा ट्रांसफ़र करा दो, आपका ट्रांसफ़र हो गया होगा तौंसा। आए हाय ये मतलब ऐसी छोटी छोटी पनिशमेंट होती है। जी हाँ इस तरह होता है कि कोई आपने ख़बर दे दी, कोई बात कर दी, तो वो कोई ना कोई एजेंसी का बंदा आपके पीछे लग जाएगा। वो फिर अजीब तरीके से पीछे लगते हैं, वो बताते नहीं हैं कि भाई हम फलां एजेंसी के नहीं, बस वो बस हो जाता है, वो बस फॉलो करते हैं आप, बस आपसे ताल्लुक़ रखते हैं बिला वजह, बता भी नहीं रहे कौन है और क्या हाल है आपके, ठीक है सब सही है। और वैसे जा रहा है एक आदमी हो गया, क्या मसला हो गया भाई? और आपके साथ रह रहा है वो आदमी, आप भी चल रहे हैं वो भी चल रहा है, भाई आप कौन है? कोई बात नहीं आपस में है तो मकसद। अच्छा नूर अब मैं देख रहा हूँ आपको कि आप बड़े अच्छे अच्छे बैंगलोर फ्लैट और ये सारी चीज़ें ज़मीनें प्लाट इस तरफ भी आप जी वो कमर्शियल्स कर रहे हैं, कमर्शियल कर रही हैं, तो खुद नहीं पसंद करती कोई खूबसूरत सा घर, कोई प्यारा सा आंगन जी, कोई पिया का आंगन, कोई खिड़कियाँ, खिड़की में आपका चांद सा चेहरा, अल्लाह इंतजार कर रहा किसी का ऐसे करके देख जी बिल्कुल है, हर लड़की का सपना होता है अपने घर का, और मेरा भी है, और इंशाल्लाह नसीब में होगा तो जरूर पूरा होगा, होगा इंशाल्लाह ताला होगा, इंशाल्लाह जरूर। हम दुआ कराते थे मेरी दुआएं बहुत लगती हैं मुझे और बद्दुआएं भी लगती हैं मुझे पता है आप, और लेकिन आप मुझे हमेशा दुआ देते हैं, ये भी तो मैं दुआ कर आपको या अल्लाह तबार ताला नूर की बहुत आला जगह पे शादी करवा दे, आमीन, और अल्लाह हम सबको इसकी शादी में जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबार ताला मैं भी जाऊंगा इसकी शादी में सिर्फ गुलाब का फूल लेके जाऊंगा। ये फूल याद रखना, ये नीचे से कटा हुआ भी है, ये तो ना इतना लंबी सी डाली हो और ये तुमने यहीं कहीं से काटा हुआ था मुझे और ये फूल भी यहीं कहीं से हासिल किया है इसने, आई स्वेयर मुझे उसी खुशबू तुम यूं लेके आए ना फूल तो ये गिर गई सारी, इसकी स्मेल भी चली गई, पकड़ी गई कहीं ना कहीं पकड़ी गई नहीं बहरहाल एक मैंने एक बात की है कि हम भी ऐसे गुलाब का फूल लेंगे, कोई मसला नहीं। सुहेल साहब नूर की कौन सी फिल्म आपने देखी है? जब आपने इंटरव्यू किया होगा डेफिनेटली आपने इनको कहीं वॉच भी किया होगा। फिल्म तो मैंने कोई नहीं देखी, सच्ची बात, कोई नहीं देखी, नहीं ड्रामा कोई नहीं, लेकिन उससे पहले मैंने वो तरीका ये होता है कि जब मैं इंटरव्यू को करने जाता हूँ तो यूजली उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, रिसर्च होती है, एक डिपार्टमेंट है जो पूरा बताता है, खुद मैं उसको। तो आपने कहाँ रिसर्च की इनकी? उसके लिए हमने पहले इनकी सब पता करवाया कितनी फिल्में हैं, क्या क्या पता लगा इनका, सब कुछ पता लग गया था फिर ये है कि भी कर रहा है। सब कुछ पता लग गया जो फिल्म के रिपोर्टर्स हैं हमारे उनसे गुफ्तगू की, बड़े तेज होते तो सारा कुछ
इनसे बड़े पर्टिनेंट सवाल किया था। जी जी, इन्होंने मुझसे पूछ लिया, मुझे कहते हैं आपके पास जेवर कितना है, मैंने कहा आपने मेरे पीछे टैक्स वाले लगवाने, एंड आई वाज सो ब्लश्ड, मैं इनके सवालों में समझ नहीं आ रही थी आपको मतलब क्या मतलब जेवर का वैसे क्यों पूछा था मुझे क्या नहीं जेवर कितना इन्हें जेवर का शौक है अच्छा भाभी को जेवर का शौक है नहीं उसे नहीं शौक बिल्कुल नहीं कितने लकी आदमी है बातों से उनको कन्विंस कर देते होंगे कि आपको जरूरत ही क्या है जेवर एक फजूल चीज है इस पे डाका पड़ जाता है आदमी को क्या जरूरत है इन्होंने इतना डरा दिया होगा जेवर से बंदा अगवा हो जाता है बाबी ने कहा खुदा का वास्ता घर में ये खतरनाक चीज है मत लाइए ये हुआ होगा वो आपके पास टेक्निक तो है ना ये बातें उगलवाने की हेलो ये है वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कुछ भी आप कह दें लेकिन सहाफत में जर्नलिज्म में और बुक्स राइटर में और एंकर्स में जो मुकाम अल्लाह ने सुहेल बड़ाई साहब को अता किया बहुत कम लोगों को सर अल्लाह ने मुकाम दिया रियली यू आर वेरी डन वेरी वेल अच्छा नूर ये फूल है इससे हसीन तोहफा हो नहीं सकता ये खिला किसी और वजह से था मिला किसी और वजह से खिला और मिला और धुला किसी और वजह से है तो ये जो फूल है इसके बारे में एक अपना शेर पेश करता हूँ कि फूल को देख के मुझे अपना एक कता याद आया कि भंवरे ने भी अजब जिद लगा रखी है भंवरे ने भी अजब जिद लगा रखी है फूल ने भी ना खिलने की कसम खा रखी है तू कली है तुझे फूल बनना ही पड़ेगा तू कली है तुझे फूल बनना ही पड़ेगा मुरझाने के लिए मेरी जान खिलना ही पड़ेगा वाह। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर मिलना ही पड़ेगा आई डोंट गो एनीवेयर वी विल राइट बैक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक पे जाने से पहले हम छोड़ के गए थे जिन्हें वो यही हैं सुहेल साहब और मोहतरमा नूर साहिबा नूर जी चाहने वालों के फोन आते हैं जी ख्वातीन के बहुत फोन आते हैं वो तो अब आप कॉन्शियस होके गए मैंने सिर्फ कहा था चाहने वालों के फोन आते हैं चाहने वाले आते हैं चाहने वाले के फोन आते हैं चाहने वाले ही होते ना यार जो वालों नहीं वाले के आते हैं सिंगल के आते हैं चाहने वाले के चलो कह देता हूँ चाहने वाले के फोन आते हैं बिल्कुल आते हैं वो तो किसी और नाम से ही करते होंगे अपने नाम से ही करते हैं कोई और नाम ही होगा नहीं मैं उन्हें उन्हें कहती हूँ आप उन्हें कहती हैं जी आपने देखा है एक दूसरे को जी जी बिल्कुल बड़े गौर से इत्मीनान कर लिया गौर से देखा है हाँ हाँ बिल्कुल सही है हाँ कोई मतलब क्या हम समझें कोई हैंडसम कोई प्रिंस एक बहुत अच्छा इंसान एक्सेल करा लिया उसका आपने अच्छा इंसान कैसे पता लग गया अभी तो जिंदगी भी उसके साथ ही गुजारी आपने गुजारने के इरादे रखते हैं इरादों के हिसाब से सही है जी लगता तो है आपको अच्छा इंसान का पता लग जाता है यही एक अच्छा इंसान लगता नहीं, है आपको पता लग गया कि अच्छा इंसान क्या होता है बुरा क्या होता है आई थिंक इतना 12 साल हो गए इंडस्ट्री में तो इतना तो पता लग गया है जी चलें बताइए सुहेल साहब में और मैंने में कौन अच्छा कौन बुरा है ये तो अजीब सवाल है अजीब सवाल क्यों है आपको पता है 12 साल में आपको आप बहुत अच्छे क्या हो गया मैं सुहेल साहब अच्छे और आप बहुत अच्छे तो ये तो बहुत ही बुरी बात कर दी आपने नहीं बिल्कुल भी नहीं सुहेल साहब बहुत अच्छे हैं पॉलिटिकली करेक्ट सुहेल साहब बहुत अच्छे हैं और हम इनके बच्चे हैं नहीं 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 क्या बात करते हैं नहीं सुहेल साहब मैं कौन सा दिल से कह रहा हूँ ये मजबूरी है अच्छा अच्छा फैशन आप खवातीन को क्या कहना चाहेंगी ये जो फैशन इंडस्ट्रीज ये जो फैशन शोज ये स्टाइल आ रहे हैं आप क्या चाहती हैं कहाँ तक लोगों को लड़कियों को फैशन करना चाहिए किस हद तक आप एक स्टार हैं मॉडल हैं आप एक एंकर हैं एक आप फिल्म की आर्टिस्ट हैं एक आप बहुत अच्छी मिलनसार सी लड़की हैं क्या चाहती हैं कि क्या हो कि उसमें लड़कीपन भी रहे और फैशन की ज़रूरियात भी ज़िंदा रहें
मैं भाई स्पेशली ये कहना चाहूँगी, फैशन आप खुद क्रिएट करते हैं, ये नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज़ पहनी हुई है या किसी ने कोई चीज़ पहनी हुई है तो आपने आपकी बॉडी को सूट करी या नहीं करी, लेकिन आपने पहन ली है। अगर आपको सूट करता है, कलर सूट करता है, तो आप ज़रूर पहनें, और अपने कल्चर को ना भूलें, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को ना भूलें कि हमारे इर्द गिर्द मतलब हम हमारे रूट्स क्या हैं, हमारे रूट्स क्या हैं। आप देखें कि हम अपने हर तरह से अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। आप याद रखे हुए हैं ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह याद रखे हुए हैं। अगर कहीं याद मतलब बचपन में कहीं मतलब मैंने मूवीज़ में भी काम किया, लेकिन उसमें भी मैंने कहीं भी इस तरह की कोई हरकत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करती थी जिसको मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ना देख सकूं। सो द पॉइंट इज़ कि अभी अगर आप फैशन इंडस्ट्री को भी देखें, आप किसी भी टेलीविजन इंडस्ट्री को देखें, तो हम क्या सिखा रहे हैं, हम लोग क्या दिखा रहे हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, हर शो में कभी वीना को बुरा कहा जाता है, कभी मीरा को बुरा कहा जाता है, कभी निर्मा को, कभी किसी को बुरा कहा जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप देखें, मॉडल्स को कोई बुरा नहीं कहता। मॉडल्स रैंप पे जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, हमारी एक्ट्रेसेस तो बहुत कवर्ड कपड़े पहनती हैं उससे ज़्यादा। मतलब ये है कि बिकॉज वो फिल्में आ रही हैं और आप उन पे पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रही, तो आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए। फैशन इंडस्ट्री एंड हमारा, हम अपना बिल्कुल कल्चर भूलते जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं, बिल्कुल भी। कोई कुछ भी करे। शलवार कमीज इतनी खूबसूरत हैं, आप देखिए शलवार कमीज में जितनी खूबसूरत औरत लगती है, मेरा नहीं ख्याल किसी और ड्रेस में लगती हूँ, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। आपको किस लिबास में औरत अच्छी लगती है? मुस्कुराए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अभी मुकम्मल जवाब नहीं दिया। शलवार कमीज और साड़ी क्या दोनों अच्छे। अच्छा रक्स क्या है, तुम्हें कुदरती तौर पे आता है ये चीज़, है ना? मेरा ख्याल है तुमने कुछ सीखा नहीं आए थे। नहीं ऐसा सीखा नहीं है, लेकिन क्लासिकल थोड़ी बहुत बेसिक सीखा था। बेसिक्स तो वो तो जाहिर बात है, वो तो लेकिन आई लव डांस। आई थिंक कहीं भी म्यूजिक लगता है, मैं कहीं भी मतलब मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, मुझमें है डांस, कूट कूट के बना हुआ है। और किसी के घर ताजियत करने गई आप बैठी हुई, उसके अब्बा मर गए और बराबर में के टेप चल पड़ा। लेकिन वो है एक रिदम की सेंस भी, और बचपन साथ में दो सहेलियां लेके जाया करो, बहन मुझे कुछ हो तो पकड़ लेना। कई शादियां तो आपके इस वजह से हुई है कि बच्ची का डांस करवाना है। कि चलो शादी रख लो। नहीं वाकई में सही बताओ। नहीं ऐसे तो नहीं है, बहुत शौक। सर आपने कभी मुजरे देखे? मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जहाँ पे आप बाकायदा वहाँ चले गए थे जहाँ मुजरे होते हैं, इसलिए मैं पूछा। आपने देखे मुझे? ख्वाजा परवेज साहब का प्रोग्राम था और ख्वाजा साहब के साथ हम गए थे। तो आपने वहाँ भी पूरा दिन गुजारा था? नहीं देखें, ख्वाजा साहब के साथ नहीं। ख्वाजा परवेज साहब तो सारे गाने लिखते हैं, उनके जितनी ग्लोकाराएँ हमारी हैं सबके घर उनका बड़ा बेतकल्लुफी से आना जाना है। बड़े अच्छे नफीस इंसान है, शायर हैं बड़े अच्छे। तो वो उनके साथ जो शाही मल्ला है वहाँ भी वो जाते रहे थे, तो उनके साथ वो एक सारा उसका विजिट भी हो गया। उन्होंने विजिट करवाया आपको? उन्होंने विजिट करवाया। नहीं ये तो है, मतलब वो पहली दफा गए थे आप, ये बताएं। नहीं नहीं क्यों नहीं, हम तो खाना वहाँ पे इसी जमाने में पाए खाने जाते थे। पाया तो एक बहाना है। ये तो क्या पाया तो एक बहाना है। शाबाश बरूर, ऐसे करो, ये मेरे वो मौकल है, जब आपको अपनी बात को बताता आप कहते हैं वेरी गुड। नहीं मौकल है मेरे, बहुत आला बशारा साहब मेरा मौकल। अच्छा अपना क्या नाम है? नूर जी। सुहेल भाई आपने नूर को रक्स करते हुए देखा? रक्स करते हुए देखा और अभी भी आपने बड़े गौर से देखा। और काफी देर तक देखते रहे आप। नहीं नूर बड़ी पॉलिश्ड है शुरू से ही। सर मैच देखते हैं आप क्रिकेट? मैच देखते हैं। देख पूरा देख लेते मैच? नहीं पूरा नहीं देख सकते। दिल कहाँ टूटता जिसमें उड़ जाते हैं आप? जब कामरान अकमल कैच छोड़ता, जब दिल तो मेरा ये चाहता है कि जो टीम अच्छी खेले उसको दाद दूं, लेकिन सम हाउ चूंकि कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, तो जब ये हारने लगते हैं तो फिर देखना मुश्किल हो जाता है। हाय हाय हाय।
लेकिन इनको हार के भी 35-35 लाख रुपए मिले। लेकिन मेरा ख्याल है इस्तीफा हमें भी रख रहे थे टीम में। ले मेरा ये ख्याल है कि इस्तीफा पाकिस्तानी कौम ने एक बिल्कुल नया रुख दिखाया है। देखिए रुख भी दिखाना चाहिए था। मैं मेरी सारी बातें मजाक होती हैं, लेकिन जब मैं सीरियस मूव बनाता हूँ ना पक्का टाइप का ही हूँ तो इसका मतलब था आई एम सीरियस। सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि कौम को अपने क्रिकेटर्स के साथ इतना प्यार हो चुका है कि लोगों का मैंने जज्बा देखा कि पूरा मुल्क जो था ना वो एक जगह पे आके खड़ा हो गया था, है ना। तो क्रिकेटर्स जो हैं वो इसका मतलब है कौम की बहुत बड़ी उम्मीद है, एक आस है, एक खुशी देते हैं, एक जीत ला कर देते हैं, कप ला करके देते हैं। मेरा ख्याल है लोगों को इनसे इसलिए ज़्यादा उनसियत है। दुनिया भर में स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो कौमों को यूनाइट करते हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में उस वक्त ना कोई बलोची था, ना कोई सिंधी था, ना कोई पंजाबी था, सब एक थे, एक सब थे। और इसका मतलब ये है कि बेशक हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, सर असेंबली में हम एक नहीं है, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड में हम एक हो जाते हैं। ये देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। नहीं जब वहाँ भी कोई बड़ा मसला, मेरी बात को आपने अहमियत नहीं दी। मैं ये कहता हूँ बात बहुत आला की थी। नहीं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई मौका आता है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं। मुझसे कोई आप सवाल पूछें प्लीज। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने शऊर पैदा किया अपने अंदर, क्या इसके पीछे आपका मुतालिया है, मुशाहिदा है या तालीम है? तीनों ही नहीं है। वेरी फ्रेंक ना आपको तीनों नहीं है या दिल टूट गया था? सही बताऊंगा, सही जवाब दूंगा। देखिए मैं आपको सही, मैं एक मिनट, मैं बड़ा बहुत सही बात की, मैंने गलत नहीं किया। देखिए मैं इसका बड़ा एक मजहबी एक जवाब देना चाहता हूँ जो मेरे साथ वाबस्ता है, क्योंकि जवाब वही देना चाहिए जो सच हो, झूठ नहीं करना। मैं अभी कह दूँ जी मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये डिग्रियाँ वो मैंने किया हुआ, मैं आपको हकीकत बताऊँ। जब अल्लाह तबार तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे नबी कह दो अना मदीनतुल इल्म अभी अली बाबुल इल्म, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते थे जो अल्लाह फरमाते थे, तो वो उनको इल्म के शहर का दर्जा और अतली मौला मुश्किल कुछ करम अल्लाह वजू रज़ी अल्लाह तआला को इल्म के दरवाजे का दर्जा अता हो गया, ठीक है जी। और हज़रत गौस आज़म पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म से वाबस्ता है। इस तीनों शख्सियात पर जो मैंने नाम लिया है, मेरी इनसे एक वाबस्तगी है और मेरी मोहब्बत का ये आलम है कि उन्होंने मुझे मेरी ज़बान को रवानी और इल्म अता कर दिया है, मेरा इल्म कुछ भी नहीं। बा खुदा मैंने आपको सच्ची बात बताओ, ये पहली दफ़ा मैंने ये आपके आप क्योंकि ज़हीन आदमी है, आपने सवाल इतना खूबसूरत किया कि मुझे खुलना पड़ गया। बड़ा सिंपल सा मैंने जवाब दे दिया और बिल्कुल हकीकत, बहुत अच्छा हकीकत। हालांकि हम लोग जिस शहर के रहने वाले हैं, अलीगढ़ से हमारा ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब अलीगढ़ में रहते थे, पैदा हुआ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो इल्म का शहर है, आपको पता है वो जगह, और जहाँ पर मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े आलिम लोग वहाँ से निकले हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वहाँ के रहने वाले। लेकिन मैं कह सकता था कि मेरे दादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, बल्कि बनाई उन्होंने है यार, पहली ईंट मेरे खालादाद भाई ने रखी थी, कुछ भी कह सकता है। झूठ का तो रुझान है ना पाकिस्तान, इस वक्त तो कमाल हो गया झूठ के ऊपर, लोग कब्रिस्तानों में खड़े हुए झूठ बोल रहे होते हैं। वाह खुदा कब्रिस्तान में मैंने देखा लोगों को खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं कब्रिस्तान में, और जो आदमी मर गया उसकी बातें कर रहे हैं, बहुत सिगरेट पीता था, बड़ा समझाया बाद में था। मैं सोच रहा होता हूँ कि यार बस थोड़े दिन बाद तेरे से भी यहीं मुलाकात होगी मेरे भाई। यदि हम जो कह रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी बन गई। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सच्ची बात बता दी। नहीं सच में बड़ी ताकत है। वैसे तो मैं डबल एम ए हूँ। क्यों हंसे ये लोग, देखा ये होता झूठ बोलने का, लोग हंस पड़ते हैं, मैं सच बोल लेता ये सब सुनते। सच आपको काबू में कर लेता है और झूठ या तो आपका मुंह खुलवा देता है या आपकी आंखें खुल जाती हैं। होता ना सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप जिस मजलूमियत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और जितनी मोहब्बत और खुलूस से लबरेज होकर आप आए थे, उतना ही हमारी तरफ से वो मोहब्बत और प्यार से आप
लबरेज होकर ही जाएंगे इंशाल्लाह। और आपकी आमद का मैं अपनी पलकों से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ तो शायद मैं ना कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी नूर मेरे जज्बात हमेशा, आपके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। और आप अपने जो जिस ट्रैक पे जा रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, माशाअल्लाह आपको कामयाबी दे। सर आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए, आपने एक बहुत ही यानी कि यूँ समझ लीजिए इस शो से आपको बड़ी शोहरत मिलेगी। जाए बोल दिया हमारे शो को कहना ये था, हमारे शो को बड़ी शोहरत मिलेगी। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।